व्हाट्सअप गाइस, बहुत दिनों बाद आज हम सुधांशु त्रिवेदी सर की थग लाइफ लेके आए हैं। बहुत ही मजेदार डिबेट होने वाली है इनकी अनुराग भदुरिया के साथ। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, थग लाइफ मूवमेंट्स होंगे, बहुत ही मजेदार वीडियो को कर दें लाइक। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि हम मुफ्ती और मौलवियों की बात मानेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे। उन्होंने नहीं कहा, उनका कहने का नहीं, तात्पर्य अलग निकाल। फैसला यहाँ के उलमा और मुफ्तियान करेंगे, उसको हम मानेंगे। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है। बिल्कुल ठोकूंगा आपको। यहाँ देख के अनुराग भदौरिया थोड़ा डर गए थे। इससे लेना देना है, महंगाई पे बात ना हो जाए। टमाटर 120 रुपया हो गया है। अच्छा, ये खरीद लाए चुरा के लाए? खरीदा हुआ भैया। टमाटर ये सस्ता कैसे कर देंगे, मुझे समझ नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, ऑडियंस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता श्रीमान अनुराग भदौरिया उर्फ हरे कुर्ते के बीच में। दोस्तों, यूसीसी को लेकर डिबेट थी, लेकिन उस डिबेट में अनुराग भदौरिया लेके पहुंच गए एक टमाटर। अब उसके बाद इनका क्या हाल हुआ उसे देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं अनुराग भदौरिया आपसे, और 50 सेकंड का वक्त आपको देता हूं। आपके नेतागण तो कमाल है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि हम मुफ्ती और मौलवियों की बात मानेंगे, सरकार की बात नहीं मानेंगे। मुफ्ती मौलवी भी क्या संविधान हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए? देख, गोवा में अगर 30 साल उम्र हो जाए और अगर कोई लेडी, अगर उसका कोई बेटा पैदा नहीं होगा तो उसको दूसरी शादी करने का अधिकार आपने दे दिया है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहां पे, तब आप उसमें वहां पे आप समानता की बात क्यों नहीं करते? आप ये बताइए ना कि वहां भी समानता की बात कीजिए। मैं पूरी बात कर लूं, आप यूसीसी के खिलाफ है? नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूं। यूसीसी का, वही तो मैं कह रहा हूं, यूसीसी का आपने, फिर आप 371 ए की बात ले लीजिए। 371 ए में आपने कई राज्य उसमें आते हैं, जैसे नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, और कई इधर के भी राज्य आप देखो 371 में आते हैं, जिसमें हिमाचल है, उत्तराखंड है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपने स्पेशल दर्जा दिया हुआ है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दिया, इस सवाल को दोबारा सुनिए, आराम से सुनिए, जल्दबाजी मत करिए और जवाब दीजिए। मुफ्ती और मौलाना क्या संवैधानिक हिस्सा है जिसकी बात आपके सांसद कर रहे हैं? जवाब दीजिए। ये फंस गया सी है। कोई इस बात को इस तरह से नहीं कहता है, वो सिर्फ यूसीसी पे बात हो रही है। उन्होंने कहा यूसीसी, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, प्रवक्ता कह रहा हूँ ना, यूसीसी उन्होंने नहीं कहा, उनका कहने का नहीं, तात्पर्य अलग निकालो। इन्होंने क्या बोला? उन्होंने नहीं कहा, अलग है, यही बोला ना, नहीं कहा। व्यूअर्स, आप सबने सुना मेरी बात तो, स्क्रीन आप सबने भी सुना, इन्होंने बोला नहीं कहा। अब मैं उनकी बाइट प्ले करता हूँ। जो फैसला यहाँ के उलमा मुफ्तियान करेंगे उसको हम मानेंगे। यहाँ ये फंस चुके हैं हम, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो तय कर रही है उसके खिलाफ है, यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ है, कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, उसमें जो अल्लाह का हुक्म है हम उसको मानेंगे। अब बताइए हाँ, क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे थे बोला ही नहीं, अब आप मतलब समझा रहे हैं। हाँ, नहीं तो नहीं कह रहा। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मैंने कहा यूसीसी का, देखिए आप डाइवर्ट मत कीजिए। डाइवर्ट नहीं कर रहा, हाँ, मैंने तो वही चला जो उन्होंने बोला। मैं कह रहा हूं डाइवर्ट आपने करा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं गोवा के अंदर से हटाइए आप यूसीसी। अनुराग, देखिए ऐसा होता है कि ट्रेन का डिब्बा जब पहले चलता है तो वो पहली पटरी के बाद भी जब डिरेल हो जाता है, एग्जैक्टली स्थिति आपकी वही है। अब आप शांत होइए, अब आप शांत होइए। बेटियां बैठी हैं, लोग बैठे हैं, बताइए क्या, आप बताइए आप लोग, क्या अगर बेटा पैदा नहीं होगा तो दूसरी शादी करने का राइट है क्या? आप बताइए ना आप लोग, आपने ऑडियंस से पूछा था सवाल, बेटी चार शादी करने का राइट है क्या? कोई नहीं। अब सुधांशु की बारी, सुधांशु की बारी, एक सेकंड, मसौदा इन्हें 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 मसौदा तैयार करा हुआ मिल गया। बेचारे उलेमा के खिलाफ कैसे बोल दे, अब ये बिचारों की स्थिति है तो इनको आके गोवा गोवा चिल्लाना ही है। पहला अनुराग कह दिया ना, अभी तक पिछले यहाँ तो आपने बोल रखा बेटा हो बेटी, तब चार कर लेंगे, दो नहीं चार। अरे ये देखिए कौन आया स्टूडियो में, एक सेकंड स्टूडियो में कौन आया है? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा आपसे सवाल, सवाल क्या, आप तो बोलिए भाई, सवाल क्या पूछेंगे आप? बोलिए बोलिए। आप तो मेरे को इतना ही पूछना है, आप तो ठोक दीजिए,
बिल्कुल ठोकूंगा। आप 35 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं सोचते हो? मोदी जी 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं और आप केवल 35 करोड़ पे टिके। अच्छा, ये तो आप 140 करोड़ के बारे में सोच रहे हैं। एक सवाल है, ये वेशभूषा अभी आपने 2017 के बाद धारण करी है या उससे पहले से पहनते आ रहे हैं? ये केवल 2022 के बाद चालू हुई है। 2022 के बाद चालू हुई है। चलिए, कंफ्यूजन हो जाता होगा कई बार लोगों को, लेकिन आपको यहाँ देख के अनुराग भदौरिया थोड़ा डर गए थे। आप देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं शादी से यूसीसी का लेना देना नहीं, जमीन से लेना देना नहीं, प्रिजर्वेशन से लेना देना नहीं, तो प्रभु लेना देना किससे है? अरे भाई, लेना देना किससे है? पता किससे? पता किससे? मैं बता रहा हूँ, इससे लेना देना है, इससे लेना देना है। महंगाई पे बात ना हो जाए, टमाटर 120 रुपया हो गया है, इससे लेना देना है। इससे चर्चा नहीं करना चाहते, इससे लेना देना है, क्योंकि इससे ध्यान भटकाना चाहते हैं आपको, किसी से लेना देना नहीं है। अमित जी, अभी ये डिबेट को उस लेवल पे लाएंगे, सुनिए 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 सुनिए, अभी ये कहेंगे मेरे निकाल कर लाए हैं, अभी ये कहेंगे, अभी ये, अरे टमाटर ज्यादा देर जेब में मत रख के गड़बड़ हो जाएगी। 120 रुपए किलो है। अच्छा, ये खरीद के लाए, चुरा के लाए? खरीदा हुआ भैया, ये चुरा के लाए। बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया। मतलब 50 संविधान, हिंदुस्तान अलग है भैया, हम 50 राज्य में 50 वाले देश हैं। मैं आपको देश दे सकता हूं, आप हिंदुस्तान को बाहर से क्यों कंपेयर करो भैया? हम तो अनेकता में एकता वाले लोग हैं, हमारी अलग पहचान है भैया, हम तो वर्ल्ड, हम तो विश्व गुरु वाले लोग हैं। आप उसको कंपेयर कर रहे इधर उधर से, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं कंपेयर आपके सांसद की तरह कंपेयर करूँ कि मैं मौलवी और मुफ्तियों से बात करूंगा? बात होती ना, कहीं कुछ बना ही नहीं। कहते ना, दो लठ गए, बोले ये खेत हमारा होगा, बोले खेत होगा तो क्या करोगे, इसमें सरसों बोएंगे, फिर सरसों पैदा होगी, फिर गाड़ी खरीदेंगे। गाड़ी तुम अकेले चलाओ क्या? नहीं, मैं भी चलाऊंगा। उसी में लट्ठा मलट्ठा हो गया, लाठी मार दी एक दूसरे को, खेत है ही नहीं कहीं। ये कहानी किसकी बता रहे हो? यूसीसी लाए नहीं है, यूसीसी कहीं है ही नहीं, मसौदा तैयार नहीं, लड़ा रहे हैं सबको, लड़ जाओ लड़ जाओ लड़ जाओ, ये हाल है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड हुआ ना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ लड़कियाँ सवाल पूछा जाती है, लड़कियाँ को सवाल पूछा जाती है, मैं अब सिर्फ लड़कियों के पास आऊंगा सवाल के लिए। बोलिए, खड़े होकर पूछिए। मेरा नाम अंशु ठाकुर है, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से है। आपको ये डर तो नहीं सता रहा कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो मुस्लिम समाज में जितनी लड़कियां हैं वो आगे बढ़ जाएंगी, जो आज दबी हुई हैं? जवाब दे दूं? बात आपने जवाब दे रहा हूं, बताइए। जवाब दे रहा हूं, देखिए देखिए, मैं जवाब, एक मिनट देखिए। बात हमने ये नहीं कह रहे कि आप यूसीसी मत लाओ, हम इनसे कह रहे हैं आपने यूसीसी में क्या मसौदा तैयार किया? आपसे मुस्लिम नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबसे आपने संपर्क किया। आना, ये लठ वाली बात जानते क्या है? सारी समस्या क्या है कि बेचारे मुस्लिम समाज को ऐसे फंसा, मुस्लिम पे आ गए। हमें सिख की भी बात होती है, आप कमाल है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, हमें सिख की बात करता हूँ, बौद्ध की बात करता हूँ, हिंदू की बात करता हूँ, कमाल है भाई, ये तो गलत बात है, अबे गलत बात है, अबे अबे नहीं, अबे आप एक नहीं बता सकते, आपने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया हो गैर मुस्लिम। खैर, तो जानते क्या है, उसी के लिए सब लठ लिए खड़े हैं। वो कहते हैं मेरी तरफ आ जा, वो कहते हैं मेरी तरफ आ जा, वो कहते हैं मेरी तरफ आ जा, यानी उसकी बेचारे की हालत ऐसे मुस्लिम समाज की लैला जैसी हो गई है कि वो ये कहते हैं मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, वो कहते हैं मैंने गोली चलवाई मेरा कारनामा तो देख, तो वो कहता है मेरा खानदानी घराना तो देख, तो मुस्लिम समाज हो गया कि रजिया फंस गई गुंडों में। डिबेट बहुत जबरदस्त थी। और दूसरी बात मैं कह देता हूँ, यूसीसी का मुद्दा चल रहा हूँ, महंगाई लेके आ गए। दूसरी बात ये मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक सर अगर मान लो अगर महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ रही है इस चीज़ की, एग्जांपल तेल बढ़ रहा है रेट, तो वो इसलिए बढ़ता है रेट क्योंकि अगर जहाँ से कच्चा तेल आता है वहाँ पर उनके रेट बढ़ा दिए तो यहाँ पर भी बढ़ेगा। अगर वहां पर रेट बढ़ते रहे, लेकिन सरकार पुराने रेट पे ही देगी ना। अगर आप खुद एक शॉपकीपर हो, ठीक है, नहीं सरकार दे सकती है पुराने रेट पे, सरकार 100 रुपए का तेल 50 रुपए में दे सकती है आपको। आप कहोगे कांग्रेस के टाइम पे इतने का था, इतने का दे दो, 40 रुपीज का भी था एक टाइम पे, तो 30 का भी था, उतने पे सरकार दे देगी। लेकिन उसको देने के लिए ना सरकार को अपनी जेब से पैसा देने पड़ेगा, जो सरकारी तिजोरी, सरकारी बैंक जो है, सरकारी बैंक मतलब जो गवर्नमेंट का खजाना है, और गवर्नमेंट का खजाना जब बाहर जाएगा ना, गवर्नमेंट वीक पड़ जाएगी, और वीक पड़ जाएगी फिर आने वाले टाइम में आपके ना सड़कें बन पाएंगी, ना आपके पास ढंग से बिजली सप्लाई हो पाएगी, ना डेवलपमेंट हो पाएगा देश में। तो ये चीज समझो, अगर आपको तनख्वाह भी ज्यादा बढ़ाते बढ़ाते चाहिए ना, मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान ऑलरेडी
मतलब क्राइसिस से जा रहा है। एग्जांपल देख लो वहां पर आज महंगाई कहां पहुंच चुकी है, चीज फ्री चीज इन चीजों के चक्कर में। और ये दिल्ली में जो फ्री बिजली मिलती है मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। जरूरतमंद को बिल्कुल अच्छे से वेरीफाई करके दो। ऐसे लोग हैं जो बिजली लेके स्वाद के एसी चला रहे हैं, इतने पूरे पूरे दिन एसी चलते हैं भाई साहब। मैं मतलब रही हूँ ना, मैंने देखा है भैया। ये चीज है इंडिया में ना, मौके का फायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं। एक दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, यूसीसी से किसी का नुकसान नहीं है, ठीक है, सबको बराबर लॉ मिलेगा। और एक मुझे लगता है कि देश की आबादी पे भी कंट्रोल है। मुझे तो ये लगता है कि ये लॉ जरूर आना चाहिए कि मैक्स टू मैक्स दो बच्चे या एक बच्चे वाला रूल आना चाहिए, एक फैमिली में दो, उससे ऊपर नहीं भैया। लोगों को लगता है, जैसे गांव में आज भी थिंकिंग पता है क्या है, जितने ज्यादा बच्चे होंगे ना उतने ज्यादा घर में हाथ लगा पाएंगे सपोर्ट। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि दो बच्चे हो उन्हें अच्छी लाइफ दो। हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।